अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद रानीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक विंटर स्पेशल हलवा, जिसे आप खाएंगे तो आपकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा यूनिक विंटर स्पेशल इस हलवे को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 3 इंग्रेडिएंट्स। ये लिया है मैंने गोंद, साथ में ही मैंने लिए है किशमिश यानी रेजिन्स, ये ब्लैक वाली किशमिश है, और ये मैंने लिए हैं काजू यानी कैशियूज। और इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस हलवे को आज मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ कंप्लीट करूंगी जो कि आपके घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे। तो इन तीनों चीज़ों के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक हीटेड पैन। इस पैन में मैंने ऐड कर दिया है गोंद, और इस गोंद को ऐड करते ही मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम में आपको इस गोंद को अच्छे से फ्लिप करते हुए स्टर करते हुए सेकना है। ये आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक ये सभी गोंद के जो टुकड़े हैं ये फूल ना जाए तब तक आपको इसे अच्छे से स्टर करते हुए सेकना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये इस तरीके से फूलना स्टार्ट हो गए हैं, वाइट कलर आने लगा है इनमें, गोल्डन से वाइट कलर आ रहा है अब इनमें। तो बस इसी तरह से मैं इन्हें अच्छे से सेक लूँगी। देसी घी का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, आप भी देसी घी का यूज़ करें क्योंकि विंटर्स में ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है, हमारी बॉडी को भी बहुत हेल्प करता है ये। और साथ में ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर मैंने साबुत ब्लैक पेपर लिया है क्योंकि जब ये बीच बीच में हमारे मुँह में आता है बाइट में तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आता है, क्योंकि ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा घी में। आप चाहें आप इसे पाउडर भी कर सकते हैं। मैंने गोंद को इस प्लेट में निकाल लिया है और इसे साइड में रख देंगे। उसी पैन में हम अब अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है ये मखाने, और ये मखाने भी हमें अच्छे से रोस्ट करने हैं घी के साथ। मखाने भी हमें विंटर्स में ज़रूर खाने चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवे की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप बनाकर रख सकते हैं और कई दिन तक के आप स्टोर भी कर सकते हैं। मखाने हमें तब तक के रोस्ट करने हैं जब तक इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, और हाथ से तोड़ने पर ये बिल्कुल पाउडर जैसे टूटने ना लगे। अब मैंने इसी पैन में दोबारा घी ऐड कर दिया है, और इसमें ऐड किया है नॉर्मल व्हीट फ्लार जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं डेली, तो उसी व्हीट फ्लार को मैंने यहाँ पर सीव करके इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छे से हम इसे घी में रोस्ट करेंगे, और इसमें भी हम हल्का गोल्डन कलर आने तक के इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं व्हीट फ्लार का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इसमें थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, मैंने और ऐड कर दिया है। तो आपको इसी तरीके से इसे मिक्स करना है, अच्छे से इसे रोस्ट करना है, और इसी तरह से हम इसे कंटिन्यूस स्टर करते जाएंगे क्योंकि पैन अब हमारा काफ़ी ज़्यादा हीटेड है और ये नीचे से ब्राउन भी हो सकता है जो हमारा व्हीट फ्लार है, तो फिर इसमें जलने वाली स्मेल आने लगेगी और जो कि हमारे हलवे के टेस्ट को भी ख़राब कर सकती है। तो हम इसी तरह से इसे रोस्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। मैंने इसे अच्छे से टाइम देकर 9 से 10 मिनट तक के कंटिन्यूस इसी तरह से रोस्ट किया है। इसका कलर चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट है अब हमारे हलवे के लिए। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ब्लैक रेजिन्स, और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी इसके साथ। ब्लैक रेजिन्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं हमारी बॉडी को, हमें ज़रूर खाना चाहिए। एक ग्राइंडिंग जार में मैंने यहाँ पर गोंद और मखाने ऐड कर दिए हैं, साथ में मैंने इसमें काजू भी ऐड कर दिए हैं, और इन सभी चीज़ों को हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हो गए हैं। एक दो पीसेस इसमें अभी भी बड़े हैं लेकिन मैंने उन्हें नहीं हटाया है। और यहाँ पैन में मैं ऐड कर रही हूँ शीरा, ये मैंने गुलाब जामुन बनाए थे उसका शीरा मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसमें शीरा इस तरह से ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आपका शीरा भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी एक और रेसिपी भी बन जाएगी। अगर आपके पास शीरा पहले से नहीं रखा है तो आप एक तार की चाशनी बनाकर इस हलवे में ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दिया है सोल्ट पाउडर, ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इस सोल्ट पाउडर को किस तरह से घर पर बनाया जा सकता है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और
अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। पैन अभी रिलीज़ करने लगा है, आप देख सकते हैं पैन छोड़ रहा है, ये ऑयल रिलीज़ कर रहा है। और इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ग्राइंड किए हुए सभी ड्राई फ्रूट्स और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ड्राई बिल्कुल हलवा हमारा बनकर रेडी है। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये विंटर्स के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है, एंजॉय कीजिए इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर।